व्रत के खाने का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले आता है ढेर सारा घी, तेल और बहुत सारी मेहनत। आज मैं आपके लिए साउथ इंडियन स्टाइल व्रत के उत्पम और साथ ही मैं बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन चटनी लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना लेंगे और ये खाने में इतनी टेस्टी लगेंगे कि आप इन्हें बिना व्रत के भी बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, छोटे और बड़े दोनों इसे खाकर बहुत ही मज़े करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सोक करने के लिए ये मोरधन यानी कि सामक राइस ले लेंगे। जी हाँ, ये व्रत वाले चावल होते हैं और इजीली किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाते हैं। सूजी से थोड़े मोटे होते हैं, तो इस तरह के चावल आप ले लीजिए। इन्हें एक से दो बार आप पानी से अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद में हम करीब आधा घंटे के लिए इन्हें भिगा के रख देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही ईजीली भीग जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब भीगने के बाद हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। तो जब कभी आपको इस तरह से कुछ हेल्दी खाना हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सारा सामक राइस मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून ये सिंघाड़े का आटा। आपके घर में कुट्टू का आटा या कोई भी फलाहारी आटा है आप वह भी ले सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा डाल दिया है। 2 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा डालें। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप के करीब दही। तो दही आप यदि थोड़ा सा खट्टा लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, क्योंकि साउथ इंडियन में फूड में इस तरह से फर्मेंट किया हुआ ही खाना खाया जाता है। एक हम यहाँ पे ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च ले लेंगे। तो ये अपने तीखेपन के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप अदरक खाते हैं व्रत में तो अदरक भी इसमें ज़रूर डालें। अब हम इसे पीस लेंगे। तो फटाफट से 1 से 2 बार घुमाने पर ये काफ़ी अच्छे से पिस जाता है और इस तरह का हमें यहाँ पे गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा आप इसे पानी ना डालें, ना ही इसे आप पतला करें। मैंने कोई पानी का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। अब मैंने पहले से ही एक आलू को बॉईल करके छील लिया है, ये ठंडा है। इसे ग्रेट करते हुए ही इस मिक्सर जार में हम डाल देंगे। आलू डालने से इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आएगी और व्रत के खाने में इस तरह से आलू डाला जाता है तो इससे काफ़ी अच्छा पेट भी फुलिंग रहता है और जल्दी से पेट भर जाता है। अब हम इसे एक बार वापस से मिक्सी में पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा मिक्सचर जो है काफ़ी थिक हो गया है। तो इसी तरह का उत्पम का बैटर बनाया जाता है, तो मैंने इसी कंसिस्टेंसी में इसे रखा है। यदि आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है और आपको पतले उत्पम बनाने, तो आप 1 टेबलस्पून यहाँ पानी डाल सकते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पानी डालें, अननेसेसरी पानी ना डालें। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर सेंधा नमक डाल देंगे। और साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दीजिए और जो भी सब्ज़ियाँ आप यहाँ पर व्रत में खाते हैं वह भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि घर में व्रत के दिनों में अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं से मैं इनको बनाने की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ताकि आप झटपट से बहुत कम मेहनत वाला कम तेल घी का नाश्ता व्रत के दिनों में खा सकें। मैं थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है। अब इसे मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे चटनी के लिए यहाँ 1 टीस्पून घी को गरम कर लिया है। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे जीरा डाल देंगे और इसे तड़कने देंगे। अब 1/4 कप हम यहाँ पे मूंगफली डाल देंगे और इसे हल्का सा लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स इस पर आ जानी चाहिए, ओवर कुक ना करें, नहीं तो ओवर कुक करने से मूंगफली हल्की सी कड़वी हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च की, मेरी तीखी वाली हरी मिर्च लाल मिर्च है, तो इसे डाल के अच्छे से भून लीजिए। फ्लेम को लो पर ही रखिए, ओवर कुक ना करें, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। यदि ये नारियल का बुरादा अपना डालना चाहें तो फ्रेश नारियल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे भी हम यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और बहुत ही अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्रत के दिनों की साउथ इंडियन स्टाइल चटनी आपको बेहद पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वाद के लिए हम यहाँ पे 1/2 चम्मच यहाँ पे रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे। आप यदि इमली व्रत में खाते हैं तो इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसे हम पीस लेंगे, क्योंकि मूंगफली की वाली चटनियों में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो पानी आप बाद में भी इसमें डालें। मैंने एक बार और पानी डाला था तब जाके ये हमारी चटनी इस तरह की कंसिस्टेंसी की पिसकर आई है। तो इस चटनी को आप इस तरह से पीसने के बाद में साइड में रखें। अब हम यहाँ पे इसमें तड़का लगाएंगे। तो 1 टीस्पून घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं व्रत के दिनों में, उन्हें आपको उसे गर्म कर लें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा डाल दूँगी। मैं जीरा यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ, काफ़ी लोग व्रत में राई नहीं खाते हैं। थोड़ी सी करी पत्ता डाल दूँगी। तैयार तड़के को हम तैयार चटनी में डालेंगे। तो पिसी हुई चटनी को इस तरह से बोल में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म तड़का इसमें डालकर आप इसे ढक दीजिए।
बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। एक बार मिक्स कर दीजिए और तैयार है हमारी व्रत वाली साउथ इंडियन स्टाइल चटनी, जो कि बेहद टेस्टी बनती है। और इसे साइड में रखें। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर अच्छे से भीग चुका है और यदि आपको और खट्टापन पसंद है तो इसे आप 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन को हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे ये नॉनस्टिक पैन है। 2 टेबलस्पून भर के हम बैटर को इसमें डालेंगे और इसे हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि उत्पम थोड़े से मोटे ही बनते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा और बारीक धनिया, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च भी बुरक सकते हैं, इससे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और यदि आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी हल्के से यहाँ पे कट करके डाल सकते हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से ढक कर सेक लेंगे, क्योंकि ये मोटा है इसीलिए हम यहाँ पे इसे ढक कर सेकने के लिए रख रहे हैं, ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए। अब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ चुका है, बहुत अच्छा ये इसका कलर है, क्योंकि हमने यहाँ पर सामक राइस और सिंघाड़े काटा डाला है तो उसका कलर इसी तरह से आएगा। तो इसी तरह से सारे उत्पम तैयार कर लीजिए और इन्हें तैयार करके गर्मा गर्म आप चटनी के साथ में एंजॉय कीजिए। जो चटनी हमने आज यहाँ बनाई है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस बार व्रत के दिनों में इस हेल्दी खाने को ज़रूर बनाएँ और व्रत के दिनों को मज़े से एंजॉय करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। और आपको कैसी रेसिपीज चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।